भारत में आए दिन मारपीट और लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन ये आपसी विवाद कभी गलत मोड़ ले लेती है जिसके बाद मामला जान पर आ जाता है। और अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक थप्पड़ मारने पर युवक को चाकू से मार दिया गया। तो क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं दिव्यांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। यमुना घाट पर दोस्त के साथ झगड़ रहे युवक को शख्स ने थप्पड़ मार दिया। पीटने वाला युवक अपने 3-4 साथियों को लेकर आया और शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। नॉर्थ ईस्ट जिले के शास्त्री पार्क थाने में पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया। आरोपियों की पहचान के लिए कई टीमों को लगाया गया। आपको बता दें कि मृतक रमजानी परिवार समेत कपूरपुर में रहते थे। परिजनों ने बताया कि रमजानी चप्पल की फैक्ट्री में काम करते थे और 4 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। वारदात के चश्मदीद कंझावला निवासी अभिषेक ने पुलिस को बताया कि वह छोटा टेम्पो चलाते थे और पहले सकूरपुर गांव में रहते थे, इसलिए यहां के लोगों ने सरस्वती मूर्ति विसर्जन के लिए उनकी गाड़ी बुक की थी। रविवार शाम को 4 महिलाओं समेत 20-22 लोग मूर्ति विसर्जन के लिए उनकी गाड़ी से यमुना घाट के लिए निकले। शाम करीब 6 बजे सोनिया विहार होते हुए मेट्रो प्लांट वाली साइट के पास शमशान घाट के नजदीक बने घाट पर रुके। मूर्ति विसर्जन हुआ, कुछ लोग यमुना में नहाने लगे। अभिषेक एक दोस्त की कमीज कंधे पर डाल बाहर खड़े थे। एक अनजान युवक कंधे पर लटकी कमीज को गमछा कहकर मांगने लगा। उन्होंने कमीज बताकर देने से इनकार किया तो युवक धक्का मुक्की करने लगा। यह देख रमजानी आ गया और आरोपी को थप्पड़ मार दिया। वह कुछ दूर गया और अपने 3-4 साथियों को लेकर आया। चारों रमजानी के पास आए और मारपीट करने लगे। एक ने चाकू निकालकर रमजानी के पेट में वार कर दी। अभिषेक और साथ आए दूसरे लोग रमजानी को पीतमपुरा के भगवान महावीर अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने रमजानी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर GTB अस्पताल के मॉर्चरी में रखवाया, जहां से मंगलवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस की कई जांच टीम आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। लोकल इंटेलिजेंस और आसपास के इलाकों की CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। क्या दिल्ली में ऐसे ही क्राइम होते रहेंगे और प्रशासन चुप बैठेगा? आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।